आज की डेट में अगर ऐसा मुझे लगता है कि यार कुछ चीजें अगर मैंने बहुत पहले देख ली रहती तो मुझे उतना पेन नहीं हुआ रहता, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है ना, क्योंकि वो दो तीन महीने का जो स्ट्रगल रहता है दैट इज रियली बैड एंड रियली पेनफुल. तो अगर शुरुआत से अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी आदमी ग्रूम होना शुरू हो गया या फिर खुद को ग्रूम करना शुरू कर दिया या फिर खुद को ग्रूम कर रहा है या फिर हो रहा है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, मतलब सम ऑफ द बेसिक थंब रूल्स जो एक आदमी ने हमेशा मतलब ध्यान में रखने चाहिए व्हाइल ही इज वर्किंग इन हिज लाइफ या फिर इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप या फिर मतलब हमको तो सभी लोग सुनते तो उसकी शादी हो गई है या कोई भी, मतलब ओपन टू ऑल मैं कुछ ऐसे बेसिक थंब रूल्स आपसे पूछना चाहूंगा जो उसे हमेशा मतलब ध्यान में रखने चाहिए. यार दो तीन बहुत सिंपल चीजें हैं जो अभी स्पेशली मेरे को लाइफ में मतलब मदद कर रही हैं और मैं बाकी लोगों को भी ये सेम चीज शेयर करता हूं तो उनको भी मदद होती है. एक तो बहुत सिंपल चीज है कि आजादी की तरफ काम करो, फ्रीडम की तरफ काम करो, पैसा वैसा छोड़ दो वगैरह वगैरह छोड़ दो. और मैं ये नहीं बोल रहा कि त्याग दो, मतलब पैसा नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पैसा कमाओ लेकिन पैसे से भी आजादी रखो, जहां से कमा रहे हो उस जगह से भी आजादी रखो. तुम्हारा बॉस नहीं होना चाहिए, तुम्हारे को कोई मालिक नहीं होना चाहिए किसी भी मामले में, चाहे तुम्हारा दिल का मालिक हो, चाहे तुम्हारा दिमाग का मालिक हो, चाहे तुम्हारा शरीर का मालिक हो, चाहे तुम्हारे स्किल का मालिक हो, तुम्हें अपना मालिक बनना चाहिए. क्यों? क्योंकि फिर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे साथ है कि तुम जीते या हारे. ठीक है, तुम किसी और के ऊपर नहीं ये चीज फेंक सकते और तुम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते. एंड योर एंटायर सक्सेस एंड फेलियर लैंड्स इन योर ओन हैंड्स. ठीक है, एंड फ्रीडम इमोशन से होनी चाहिए, ईगो से होनी चाहिए, हर चीज से फ्रीडम होनी चाहिए कि तुम्हें अगर किसी भी चीज ने बांधा नहीं हुआ है तो तुम्हें कभी भी चोट नहीं लग सकती, क्योंकि फिर वो बंधन टूटने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो बंधन है ही नहीं. ठीक है, तो अगर तुम किसी को प्यार भी कर रहे हो तो इसलिए मत प्यार करो क्योंकि तुम उससे जुड़ना चाहते हो और तुम उसको पकड़ के रखना चाहते हो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तुम अगर प्यार कर रहे हो तो इसलिए करो क्योंकि तुम्हें उसको प्यार करना पसंद है और तुम्हें उसकी लाइफ में देना पसंद है. क्या देना? खुशियां और जो हम अपने चैनल में बोलते हैं चिपचिपाहट. ठीक है, ये सारी चीजें देना पसंद है. ठीक है, वो देने के लिए करो और वो घूम के अपने पास वापस आता ही आता है. लेकिन अगर तुम एक्सपेक्टेशन के साथ करोगे तो तुम जुड़ जाते हो इमोशनली भी, तुम्हारी ईगो तुम्हारी पर्सनालिटी अपने एक्शन के साथ जुड़ जाती है. फिर तुम एक आजाद आदमी नहीं बनते. जो मेरी फिलोसफी है द फ्री मैन, जिसकी टी शर्ट वगैरह हम अभी तुमने देखा होगा लोग पहन रहे हैं पर्पस, ये वो जो हमारे हैं दो तीन फिलोसफीज, बेसिकली दिस इज वन ऑफ द मेन वंस. दूसरा जो मैं थंब रूल कहूंगा इट इज के लाइफ में तुम्हारा एक मकसद होना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम बिना मकसद के पॉइंटलेस है, क्योंकि तुम मंडराते रहोगे यहां से वहां, जहां तुम्हें लाइफ ले गई तुम चले जाओगे. ठीक है, तो वो आई थिंक विल बी अ बिग वेस्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ अभी तुम्हें दिया गया, तुम इस मैदान में फेंक दिए गए हो. ठीक है, तुम्हारे माँ बाप ने एक दिन चिपचिपाहट बनाई और तुम पैदा हो गए, अब तुम्हें खेलना है इस ग्राउंड में. और तुम्हें पता अगर नहीं है कि तुमने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है तो तुम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू नॉट वेस्ट टाइम एफर्ट एनर्जी रिसोर्सेज वगैरह वगैरह वगैरह, तुम्हारे पास एक मकसद होना चाहिए तुम्हारी लाइफ का, जो तुम्हारे इंट्रिंसिकली आता है कि तुम्हें पता है कि तुमने अपनी जिंदगी में से करना क्या है. और ये नहीं कह रहा कि यू हैव टू बिकम समबडी, मैं ये नहीं कह रहा कि यू हैव टू बिकम अ बिग पर्सन, तुम्हें सीईओ बनना है या तुम्हें साला पॉलिटिशियन बनना है, ये वो मैं ये नहीं कह रहा, बट यू हैव टू डू समथिंग. तुम्हें जो टाइम दिया गया है, तुम्हें जो गिफ्ट दिया गया है जीवन का, उस जीवन में से अगर तुम उखाड़ नहीं सकते कुछ तो फिर तुम्हें और एक चींटे में कुछ फर्क नहीं है. ठीक है, तो मकसद होना, जिसको हम इंग्लिश में पर्पस कहते हैं, पहला फ्रीडम, दूसरा मकसद, तीसरे चौथे ऐसे और है, बट आई थिंक अभी के लिए ये दो ही अगर आदमियों के पास आ गए ना तो सबकी जिंदगी बदल सकती है. क्योंकि द वे दे लुक एट विमेन, द वे दे लुक एट मनी, जिस तरह वो करियर को देखते हैं, जिस तरह ये सारी चीजें उनको देखती हैं, वो सब बदल जाएगा. क्योंकि ये दो चीजें अगर उन्होंने कंट्रोल में ले आई या डेवलप कर ली अपने अंदर, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, एंग्जाइटी, ये कोई भी पंगा नहीं होगा, क्योंकि तुमने जो रूट कॉज है उसी को सॉल्व कर दिया है. तुम सिम्टम नहीं सॉल्व कर रहे. जैसे लोग मेरे पास आते हैं, सरल भाई मेरे पास लड़की के सामने बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है. मैं बोलता हूं तेरी प्रॉब्लम वो नहीं है, तेरी प्रॉब्लम ये है कि तुझे नहीं पता तू इस जिंदगी में क्यों आया है. क्योंकि अगर तुझे पता हो तो चाहे तू लड़की से बात कर रहा हो, लड़के से या लड़की की माँ से या लड़की के बाप से, तेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा कॉन्फिडेंस का, क्योंकि तू ग्राउंडेड रहेगा, क्योंकि तुझे पता है तेरी एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है. लेकिन वो इंसानों को पता ही नहीं है ना अभी. तो सबसे पहले मेरी तरफ से दिस इज व्हाट आई वुड ऑफर. सबसे पहले मतलब पर्पस ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है. यार बहुत सारे हमें कॉल्स भी आते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग लिसनर्स अलग अलग
टाइप के रहते हैं, मतलब मे बी फिर वो कॉलेज गोइंग हो या फिर कोई काम करने वाले हो. सो विल कवर सम ऑफ द फैक्टर्स जहाँ पे मतलब उन किसी के भी मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, जो हमें साल भर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कॉल आते कि यार मेरा बॉस ऐसा है, ये वो है वो है. सो वन कॉमन क्वेश्चन टू मतलब तुम्हें पूछना चाहूंगा कि यार खुद को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे क्या रखा जाए, भले फिर वो काम में कितनी भी लगी पड़ी हो, घर पे कितनी भी प्रॉब्लम हो, उसकी लव लाइफ कितनी भी बिगड़ी हुई हो या फिर अच्छी हो या फिर कुछ भी हो, राइट. एक सेल्फ मोटिवेशन वाला फंडा तुम्हें पूछना चाहूंगा.